फाइनली वो फ़ोन लॉन्च हो चुका है जिसका हम लंबे टाइम से वेट कर रहे थे। तो अगर आप एक ऐसे यूज़र हैं जो मिड रेंज प्राइस में एक नया लेटेस्ट फ़ोन खरीदना चाहते हैं, तो अच्छी चीज़ ये है कि वीवो ने फाइनली अपनी वी सीरीज़ का एक नया मॉडल इंडिया में लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है वीवो V30e। सो इससे पहले मैंने एक वीवो V30e का वीडियो बनाया था जिसमें इसके एक्सपेक्टेड फीचर्स के बारे में बताया था और हमने ये भी डिस्कस किया था कि यार फोन ये कब लॉन्च होगा इंडिया में। सो फाइनली इंतजार खत्म हो गया है, इंडिया में फोन ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है, वी सीरीज का नया एड ऑन है। अब देख लेते हैं कि फोन का एग्जैक्ट प्राइस क्या है, लेकिन प्राइस रिवील करने से पहले मैं आपको इसे कुछ फीचर्स के बारे में बता देती हूँ जो एक्चुअली में इस फोन को बहुत खास बनाते हैं जिस प्राइस पॉइंट में ये फोन आता है। तो सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें मिलता है एक कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले, इसमें फुल HD प्लस रिजोल्यूशन मिलता है, 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट दिया है और कंपनी ने क्लेम किया है कि एक अल्ट्रा स्लिम डिस्प्ले है। तो आप सोच रहे होंगे कि यार स्लिम तो फ़ोन होता है, लेकिन जो डिस्प्ले फ़ोन में यूज़ होता है वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि आपके फ़ोन देखने में कैसा लग रहा है। तो स्पेशली जो कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले यूज़ किया गया है, वैसे आपको पता होगा कि कर्व्ड डिस्प्ले आजकल बहुत डिमांड में है, उस सबसे ज़्यादा डिमांड इसीलिए है जो कर्व डिस्प्लेज हैं वो फ़ोन को ऑटोमेटिकली पतला दिखाते हैं, मतलब देखने में आपको लगेगा कि फ़ोन बहुत ज़्यादा स्लिम है, स्लीक है और स्टाइलिश है। तो सबसे अच्छी चीज़ यही है कि इस फ़ोन में आपको कर्व्ड डिस्प्ले तो मिल ही रहा है, इसके साथ ही कैमरा फीचर्स पे भी बहुत ध्यान दिया है। उसमें 50MP का एक IAF कैमरा दिया गया है जो कि सोनी का फ्लैगशिप IMX882 सेंसर है। इसमें OIS सपोर्ट मिलता है यानी कि स्टेबलाइजेशन अच्छा होगा, सो वीडियो क्रिएशन में कंटेंट क्रिएट करने में भी मदद मिलेगी आपको इस फ़ोन से। साथ ही इसमें 8MP का एक अल्ट्रा वाइड एंगल है, ऑरा लाइट दी गई है, तो ये एक कॉमन फीचर हो गया है वीवो का। वीवो अपने मोस्टली जितने भी मिड रेंज प्राइस वाले फ़ोन है उसमें ऑरा लाइट ऑफर करती है। सो स्पेशली वीवो उन लोगों पर ध्यान दे रहे हैं जो कि आजकल वीडियोज़ का बहुत ज़माना है, जो लोग वीडियोज़ बनाते हैं, तो ऑरा लाइट ना एक स्पेशल इफेक्ट देती है, जहाँ लो लाइटिंग है वहाँ बेटर पिक्चर्स क्लिक करने में मदद मिलती है। सो सिर्फ पिक्चर्स ही नहीं, आप इस फ़ोन से 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। सो डिस्प्ले के बाद कैमरा फीचर्स भी बहुत अच्छे रखे गए हैं। अब परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, तो इस फोन में है स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 चिपसेट, नॉर्मल चिपसेट रखा है लेकिन क्वालकॉम का प्रोसेसर है, तो परफॉर्मेंस के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, अच्छी मल्टीटास्किंग होगी, गेमिंग आप कर पाएंगे, फास्ट काम करेगा फोन, और इसके लिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐप्स यूज़ कर पाएँ और डेटा ज़्यादा स्टोर कर पाएँ, तो उसके लिए इसमें 8GB तक का रैम सपोर्ट दिया है, इसमें 8GB और अलग से वर्चुअल रैम मिलती है, तो इन टोटल आपको मिल गई 16GB रैम। इसमें 128GB से लेकर 256GB तक का स्टोरेज है, UFS 2.2 स्टोरेज दी गई है, यानी कि स्टोरेज अमाउंट जो है वो काफ़ी अच्छा रखा गया है, तो आप ज़्यादा डेटा स्टोर कर पाएंगे। इसी के साथ इसमें सिक्योरिटी के लिए एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है। इसी के साथ ये फ़ोन आता है एंड्रॉयड 14 बेस्ड फ्रंट टच OS 14 के साथ, तो लेटेस्ट गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम मिल गया, सारे लेटेस्ट फीचर्स मिल जाएंगे। कंपनी ने क्लेम किया है कि 3 साल तक एंड्रॉयड अपडेट मिलेगा और 4 साल तक का सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा, तो 3 से 4 साल तक तो आपका फ़ोन जो है वो ब्रांड न्यू रहने वाला है। सो अब कलर्स देख लेते हैं, जब से मैंने डिज़ाइन की बात की थी अब कलर्स मैंने मिस कर दिया था, तो कलर्स पे आ जाते हैं। सो फोन को मल्टीपल कलर ऑप्शंस में लॉन्च किया है, जिसमें जो पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा था वो है एक सिल्क ब्लू कलर और एक वेलवेट रेड कलर। सो रेड कलर देखने में काफ़ी स्टाइलिश और यूनिक है, और ब्लू कलर उन लोगों के लिए जो थोड़े डार्क कलर ज़्यादा प्रेफर करते हैं खरीदना, तो कलर वाइज भी बहुत अच्छा है फ़ोन। अब बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें IP64 रेटिंग दी गई है जो इसको एक प्रॉपर वाटरप्रूफ फ़ोन बनाता है, जिसमें आपको डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट कोटिंग मिल रही है, तो वाटर के साथ साथ डस्ट से भी प्रोटेक्टेड रहेगा फ़ोन। और IP54 एक अच्छी रेटिंग है, जितने प्राइस पॉइंट में फ़ोन आता है उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा है, और इसके साथ ही इसमें दी गई है 5500mAh की बैटरी, तो बैटरी साइज़ बढ़ाया है वीवो ने, क्योंकि वीवो मेजरली 5000mAh तक की बैटरी ऑफर करती है अपने जितने भी मिड रेंज प्राइस वाले फ़ोन्स हैं। तो उसके साथ ही कंपनी ने इसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी अच्छा दिया है, इसमें 44W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है, तो बैटरी साइज़ बड़ा है, फास्ट चार्जिंग भी अच्छी है, डिस्प्ले फीचर्स एकदम कमाल के दिए हैं और कैमरा फीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। सो फीचर्स की बात कर ली हमने, अब इस फोन का प्राइस रिवील कर देते हैं। सो दो वेरिएंट्स में फ़ोन लॉन्च किया गया है, जिसका बेस वेरिएंट का प्राइस है 27,999, जिसमें आपको 128GB स्टोरेज और 8GB रैम मिलती है। सो इसका जो हाई एंड वेरिएंट है उसका प्राइस है 29,999, तो आप देख सकते हैं 30,000 तक के प्राइस ब्रैकेट में फ़ोन लॉन्च किया गया है, और सेल इसकी स्टार्ट हो जाएगी 9 मई से इंडिया में।
इसके साथ अच्छी चीज ये है, कंपनी बैंक ऑफर दे रही है, डिस्काउंट ऑफर भी दे रही है, तो आप इसको कम प्राइस में भी खरीद सकते हैं। सो वीवो V30e फाइनली लॉन्च हो गया है, सारे फीचर्स मैंने आपको बता दिए, प्राइस बता दिया। मेरे हिसाब से जो इस फोन को खरीदने के प्लस पॉइंट्स हैं वो है डिस्प्ले। अगर आप एक ऐसा फोन खरीदना चाहते हैं जिसमें कर्व डिस्प्ले मिले, हाई रिफ्रेश रेट मिले और एक बड़ी बैटरी मिले, तो ये फोन आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। सो वीवो V30e का आपको कौन सा फीचर बहुत ज्यादा स्पेशल लगा है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीवो लवर्स के साथ ही वीडियो जरूर शेयर करें जो वेट कर रहे थे कि ये फोन कब लॉन्च होगा। साथ ही ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक भी करें और इस तरह के अपडेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।